ये देखो बर्फ वाला डोसा। सो आज हमने लाया है फ्रोजन वाला डोसा, वो भी हल्दीराम से। हाँ और ये डोसा हमको पड़ा 140 वाला है ये। हाँ तो यहाँ पे चार पीसेस है, तो चलो देखते हैं वर्थ इट है या नहीं, इसके अंदर चार क्या रहता पीसेस है। डोसा 140 में। सो ऐसे वाला डोसा तो हल्दीराम का सही लगता है। 164 का एक ही मिलता वहाँ पे। हाँ 164 का एक ही मिलता है, अलग से ही पैकेज हो गया इसका, क्योंकि ये फ्रोजन वाला है। थोड़ा देर बाहर रखे तो इसको, पूरा गीला ही हो गया है ना, तो पानी इसका पानी। इसके दो प्रोसेस है ये करने के। एक तो अपन ओवन में भी कर सकते हैं या फिर पैन पे इसको गर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी इसको खोलते हैं और आपको बताते हैं। ओ यहाँ पे तो डब्बा ही दिया डायरेक्ट। हाँ बॉक्स है, अच्छा खासा है ना, काफी अच्छे से इसको पैक पैक किया किया जाता गया है। है। अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये डोसा है ये तो पूरा बर्फ बन चुका है, चटनी है ये। लेकिन तो इसको फिर गर्म पानी में डालना है क्या ऐसे? वो तो नहीं पता, देखते हैं। ये देखो गाइस, ये भी फ्रोजन है। ये लगा हुआ बर्फ है हाँ भूषण। क्या गाइस आपने कभी बर्फ वाला डोसा ट्राई किया है? भगवान, तो तो चलो चलो इसको अभी गरम इसको कर दें। ये गरम भी पूरा करते हैं। कड़क हो गया भूषण। अरे प्री वाह हीट करना है पहले तवे को। ओके, ये देखिए 100% नेचुरल लिखा है, और 100 यहाँ पे नो प्रिजर्वेटिव्स लिखा है। फिर इतने दिन तक लेकिन रहता कैसे है ये? ये देखो यहाँ की पत्ती जैसी की वैसी है। ये देखो ये इतनी फ्रेश कैसी क्या रह सकती है यार। तो भी इसको प्री हीट करते हैं। ये देखो ना पत्ती मेरे को इसका ही आ रहा है, 6 महीने में इसका कुछ भी जैसी की वैसी है ये। उसका बाल बाका नहीं हुआ। बाप रे, थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ। स्मेल तो अच्छी आ रही है यार। अरे चिपक गया पूरा, तो अच्छे से करो। इसको गरम पानी में करना पड़ेगा शायद से, तब हाँ जाके ये चटनी बनेगी। तो हाँ वैसा करते हैं, तब तक कि मैं डोसा पूरा अभी इनको गरम दो कर लेता हूँ। दो दो से निकाल लेता हूँ। सो चलो अभी ये गरम तो कर लिए, इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो मसाला पूरी फ्रेश है यार, ये चटनी आलू की। 6 महीने विदाउट प्रिजर्वेटिव बोल रहे, जैसे कि वैसे रह रहा है कोई समझ में देख नहीं के। आ रहा लेकिन है। उतना ऐसा लजीज वाला, मतलब मेरे को ऐसा खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी आपको टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ कैसा टेस्ट आता है करके। हाँ बाकी इनका जो रखने का तरीका या फिर जो बोलो वो पैकेज वैकेजिंग बाकी सब सही है। तो चलो अभी निकालते हैं, और मेन है ओके। टेस्ट। वैसे मेरे को यही ताज्जुब हो रहा है कि ताज्जुब 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 हो रहा है इनको, ताज्जुब। अरे मतलब इतना फ्रेश कैसे रह सकता है यार, मतलब हाउ इट कैन पॉसिबल। विदाउट प्रिजर्वेटिव्स कहा गया वो भी। हाँ चलो अभी दो निकाल दिए। सो और क्या नया बर्तन भराना इसके वजह, ये गर्म है तो इसी पे चटनी निकाल लेता हूँ ना। अकांक्षा ये तो अपन तब वो खा सकते हैं, लॉकडाउन में अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते तब के लिए सही था ये, है ना। ऑर्डर करके नहीं। ये नारियल वाली चटनी है। हाँ तो ये हो गई हमारी फ्रोजन चटनी रेडी। सर लगाने का तेल जैसा रहता है ना, उसकी सुगंध आती है वैसा है। तो चलो अभी टेस्टिंग की बारी है, ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा आलू है, की चटनी और और ये डोसा। तो ये चटनी सीधा पैन से उठा के मुंह में, टेस्ट ओके ओके सा है, लेकिन हल्दीराम का जो फ्रेश वाला रहता है वो बहुत सही रहता है। तो हाँ कोई नहीं, फ्रोजन वाला था टेस्ट करना था, ठीक है।